कुछ भी लिख कर दे देते हैं और फिर से मुझे सारा पेपर वर्क करना पड़ेगा। निजार, इतनी आसानी से नहीं, टूटे हुए दिल ना इतनी आसानी से नहीं जुड़ते, उसके लिए कुछ बड़ा। नमस्ते कथन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि राघव कहेगा कथा से कि क्या ये आपका खेल है कि आप लोगों को इमोशनली अपने साथ इन्वॉल्व करती हैं और उसके बाद उनको छोड़ देती हैं, जिस पर कथा कहती है कि सॉरी मैं आपकी बात नहीं समझी, जिस पर राघव कहता है कि मुझे जब हकीकत मालूम हुई तो मुझे भी बहुत शौक लगा था कि आपका तो काम ही यही है, मुझे तो इसी तरह से लग रहा है। आप पहले लोगों को अपने साथ इमोशनली अटैच करती हैं और उनके साथ इस कदर अच्छी तरह से बिहेव करती हैं कि लोग बिल्कुल भी आपकी हकीकत नहीं पहचान पाते, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अब हमारे से दूर रहना चाहिए क्योंकि मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरी बेटी जो कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है वो और आप एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त गुजारें। वो तो मासूम है, वो आपकी हकीकत नहीं जान पाएगी और आपकी साजिश कामयाब हो जाएगी जो कि मैं कभी होने नहीं दूंगा।